यहाँ क्या कर रही हो? तो पता है डॉक्टर ने सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने से मना किया है। एक दो बार से कुछ नहीं होता, और वैसे भी सारे दिन घर में आराम ही करती रहती हूँ। तुम्हें भूख लग रही होगी ना, मैं खाना बनाकर आती हूँ। इतनी कोई मुझे भूख नहीं लगती वैसे। तो पता है इस कंडीशन में बार बार भूख लगना कितनी अच्छी बात है, बच्चे की सेहतमंद की निशानी होती है। वो तो ठीक है, लेकिन आपको मामा बुला रही थी। चिट्ठी जान बुला रही थी मुझे? मैं उनके पास जा रही हूँ, तुम भी ना। रुको, अंकल हो वैसे तुम, मामा का रवैया तुम्हारे साथ दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। बीना सुबह तुम ऑफिस जाती हो, रात में आके नौकरानियों की तरह उनकी खिदमतें करती रहती हो। तुम्हें पता है मेरे लिए इससे खुशी की बात हो ही नहीं सकती कि वो मुझे अपनी खिदमत करने से नहीं रोकती। सीरियसली, अब बेटियां थोड़ी अपनी माओ से नाराज होती हैं कभी। वाह, तुम सच में हीरे का दिल रखती होगी। बात पूछो, सर से बताओगी? पूछो। तुमने मुझे दिल से माफ तो कर दिया ना? बीना, तुम ना कभी कभी मुझे एक छोटा सा बच्चा लगता है। तुम्हें माफ कर चुकी हूँ, और मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई नफरत। अब इस बात पे भी रोना ना शुरू कर देना। मैं लगा दी ना बातों में मुझे। सच्ची जान के पास जाना था, उनकी शाम की मालिश भी रह गई है। तुम भी ना मुझे लिटरली। तुम चली जाओगी तो फिर मुझे कौन संभालेगा यहाँ? चलो